वेलकम लीडर्स, आप सभी का स्वागत है एमएलएम गुरु जी यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो आपके लिए बड़ा ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हर एक वीडियो आप सभी की रिक्वेस्ट पर बनाया जाता है। वीडियो आ चुका है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। हम कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं बनाते, हम फ्री वीडियो बनाते हैं, आप लिए जानकारी जुटाते हैं और आपको बताते हैं। इसे चैनल को ले सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबा ले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बोलना चाहता हूँ, अगर आप किसी और कंपनी के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करके उसका नाम बताएं, हम उसकी जानकारी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ओमियो स्पेस के बारे में, काफी इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी। तो वीडियो आ चुका है, वीडियो को पूरा जरूर देखें, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या फैक्ट है, क्या रियल है, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखें दोस्तों। इनका कहना यह है कि ये खुद की ब्लॉकचेन, खुद का पेमेंट सिस्टम भी लेकर आएंगे। हालांकि अभी इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, एक टोकन इन्होंने लॉन्च किया है लेकिन खुद की ब्लॉकचेन अभी इनके पास नहीं है। वो शायद 2023 तक आएगी, क्योंकि मैंने इनका रोड मैप देखा था, उसमें 2023 ही शो कर रखा है। तो आने वाले टाइम में देखेंगे, फिलहाल जो इनके पास है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बात करते हैं अबाउट अस की दोस्तों, सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों फेसबुक का नाम तो आपने सुना ही होगा, यूज भी करते होंगे। फेसबुक का नाम अभी मेटा हो चुका है, क्योंकि वो मेटावर्स में जाने वाला है। आने वाले 5-10 साल में मेटावर्स में कन्वर्ट हो जाएगा टोटली। एंड ऐसे ही इनका प्रोजेक्ट भी सेम मेटावर्स पे ही है, ये दुबई को मेटावर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ऐसा इनका कहना है। यानी दुबई जो आप फिजिकली तरीके से घूमते हैं दुबई के अंदर, आप उसमें डिजिटली तरीके से भी घूम पाएंगे आने वाले टाइम में, ऐसा इनका कहना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आती हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और यही इनका अबाउट अस था, एंड जो मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया है, ये एक मेटावर्स प्रोजेक्ट है। तो सो बात करते हैं इस कंपनी के चेयरमैन की, इनका नाम है डॉक्टर थॉमस जेल्सकी, एंड ये इनके चेयरमैन है और इनके बारे में भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। हालांकि इनका कहना ये भी है कि इनका जो प्रोजेक्ट है, उनको जो सपोर्ट मिला है प्रोजेक्ट को, वो शेख अहमद बिन फैजल से भी मिला है। आप गूगल कर सकते हैं ये कौन है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ, जूम मीटिंग के अंदर अगर आप जाते हैं या इनकी जूम मीटिंग होती है, तो वहाँ पर आपको बड़ी बड़ी चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर बताई जाएंगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जूम मीटिंग में आप अगर आपका क्लाइंट कुछ भी बोल दे या कंपनी का चेयरमैन कुछ भी बोल दे, आप यकीन कर लेते हैं कुछ हद तक, क्योंकि वो बाहर के लोग हैं, बाहर के लोगों ने जो बोल दिया आपने यकीन कर लिया। लेकिन दोस्तों मैं आपको बस एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, इनका कहना यह है कि ये जो इसके चेयरमैन हैं वो ग्लोबली काफ़ी बिजनेस को मैनेज करते हैं, एंड यूरोप, मिडिल ईस्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अफ्रीका, बहुत सारे कंट्रीज़ के नाम यहाँ पर शो किए गए हैं जहाँ पर ये बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों ये पीडीएफ के अंदर चाहे कुछ भी लिख दें, लेकिन मैंने आपको बस सिंपल बता दिया, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सेफ है या नहीं, हमें इस पर फोकस करना है। एंड जूम मीटिंग के अंदर चाहिए कुछ भी बोलते हो, पीडीएफ के अंदर चाहिए कुछ भी लिख दें, लेकिन बस याद रखना आपका इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं, इस पर हमें फोकस करना है बस। तसे दोस्तों उन्होंने टीम के मेंबर्स के फोटो एंड नाम भी सोख रखे अपने पीडीएफ के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ वन बाय वन करके। एंड ये इनकी टीम है और उनके फोटो भी इन्होंने सोख रखे हैं, सब कुछ सोख रखा है। एंड इन्होंने यहाँ पर एक चीज़ और भी मैंसन किया कि पार्टनर्स भी हैं इनके, जिनके इन्होंने नाम यहाँ पर सोख रखे हैं, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है पार्टनर्स कौन है, क्योंकि हमें तो अपने इन्वेस्टमेंट से मतलब है, वो सिक्योर है या नहीं है, क्योंकि आप जो इस कंपनी को ज्वाइन करोगे वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर ही करोगे। आपकी तरफ से चाहे इसका कोई चेयरमैन हो या ना हो, आपको तो अपने इन्वेस्टमेंट से मतलब है, मुझे पता है इस चीज़ का, क्योंकि आजकल मार्केट में इन्वेस्टमेंट प्लान बहुत सारे चल रहे हैं और लोग उनमें पैसा भी डाल रहे हैं, चाहे उसका एमडी का पता हो या ना हो। तो ऐसे ही इनके पार्टनर चाहे कोई भी हो, टीम कोई भी हो, हमें उनसे अभी कुछ भी लेना देना नहीं है, लेना देना सिर्फ है इन्वेस्टमेंट से। दोस्तों यहाँ पर कुछ लीडर्स ये भी बोल सकते हैं कि लेना देना क्यों नहीं है, हमें सब चीज़ों का पता होना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं फाइनली आपसे बस यही बोलना चाहता हूँ कि लीडर्स चाहे कुछ भी बोल दें, लेकिन मेन चीज़ उसको भी पता है कि इन्वेस्टमेंट का सेफ होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं कोई कंपनी बनाता हूँ और उसमें मैं लिख देता हूँ बड़ा चढ़ा के कि ये मेरी टीम है, ये मेरा ऑफिस है, इसमें मोदी जी का सपोर्ट है, और मैं इसको कहाँ कहाँ पर उतार देता हूँ, दूसरी कंट्रीज़ के अंदर अपने प्लान को उतार देता हूँ, ऐसा मान लीजिए। लेकिन दोस्तों सच्चाई क्या है, आपको अपना इन्वेस्टमेंट देखना है या कंपनी की प्रोफाइल देखनी है? देखनी तो वैसे दोनों चीज़ें चाहिए, लेकिन ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, प्रोडक्ट बेस्ड प्लान नहीं है, जहाँ पर आप पार्टनर्स को देख रहे हो या आप किसका सपोर्ट उसको देख रहे हो, ये तो सेकेंडली चीज़ है, मेन चीज़ होती है इन्वेस्टमेंट। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है
वो सेफ है भी या नहीं, क्योंकि प्रोफाइल के अंदर अब आप तो वहाँ पर जा नहीं रहे दुबई के अंदर देखने के लिए कि सपोर्ट मिला है या नहीं मिला है या इसके पार्टनर्स हैं या नहीं है। ये पेटम के अंदर कुछ भी लिख देते हैं, मेन चीज़ है इन्वेस्टमेंट, बस उसी पर हमें फोकस करना है। और मैं बार बार इन्वेस्टमेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो जब बात करते हैं कि टोकनोमिक्स की, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ उनका एक टोकन है जिसका नाम है ओमियो टोकन्स, एंड टोकन का जो प्राइस है 0.005 है। टोकन की जो सप्लाई है वो 10 बिलियन है, एंड ये इनका टोकन का टोकनोमिक्स है। और यहाँ पर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया कि कब कहाँ पर लिस्ट होगा, ऐसा कुछ भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। बस टोकन का नाम मैंने आपको बता दिया, ओमियो टोकन्स। फ्यूचर में अगर कुछ भी एक्टिविटी होती है टोकन के साथ या कुछ भी कहीं पर लिस्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं, हम आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। तो सो बात करते हैं इनके प्रोडक्ट्स की। दोस्तों उन्होंने अपने PDF के अंदर प्रोडक्ट्स भी मेंशन कर रखे, जैसे कि वर्चुअल क्लाउड मिंटिंग, माइनिंग नहीं है मिंटिंग है याद रखना, ओमियो शेयर्स ओनरशिप सर्टिफिकेट एंड मर्चेंट पेमेंट सिस्टम। तो इतने टाइप के प्रोडक्ट्स पे वर्क करने वाले हैं। तो सो बात करते हैं यहाँ पर पैकेज की। दोस्तों यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे 0.33% से लेकर 0.6% तक डेली मिलने वाला है। यहाँ पर मल्टीपल पैकेज इनके पास है, जैसे कि स्टार्टर $150 का है, एंड यहाँ पर आपको 30,000 ओमियो टोकन्स मिलने वाले हैं। स्टेकिंग पीरियड रहेगा 500 दिन का, एंड यहाँ पर आपको नंबर ऑफ पिंस भी मिलने वाले हैं 5 $150 में। इनका क्या बेनिफिट है, एक वीडियो में मैंने सुना था, हालांकि मैंने काफ़ी वीडियोस देखे, कि इन पिन का यूज़ आप जॉइनिंग के वक्त कर सकते हैं एंड जॉइनिंग में इनका यूज़ होगा, ऐसा वीडियो में बताया गया था। हालांकि प्लान समझाना मेरा मकसद नहीं है, कि प्लान तो चेंज भी होते रहते हैं। प्लान के लिए तो बहुत सारे यूट्यूबर ने प्रमोशन कर रखे हैं, आप उनकी वीडियोज़ देख सकते हैं। मैं तो ये बताने आया कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना सेफ़ है। यहाँ पर जूनियर है पैकेज इनका 450 का, यहाँ पर भी आपको 90,000 ओमियो टोकन्स मिलते हैं। फिर सीनियर है 1,80,000, ऐसे ही इनके पास और भी पैकेज हैं जैसे कि रूबी, एमराल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, सभी में यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के बेनिफिट दिए जाएंगे, एंड ऐसे ही आप किसी भी पैकेज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद उससे यहाँ पर लेवल इनकम भी आपको मिलती है। डायरेक्ट मेंबरशिप बोनस आपको 5% मिलेगा, एंड यहाँ पर 15 लेवल दिए गए हैं। डायरेक्ट की कंडीशन है एंड टीम बिजनेस की कंडीशन है, उसके बाद आपको रैंक मिलेगी एंड यहाँ पर आपको रिवॉर्ड भी दिए जाएंगे। चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, बिल्कुल सिंपल है समझना। जैसे कि यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल पहले लेवल का ले लेता हूँ, 1 रेफरल का यहाँ पर कंडीशन है डायरेक्ट का। टीम बिजनेस कुछ नहीं होना चाहिए, 0 हो भी होगा तो तब भी चलेगा। रैंक होगी बिगनर्स, एंड यहाँ पर बुनिंजा रिवॉर्ड यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, एंड लेवल रिवॉर्ड्स मिलेगा आपको 10% का पहले लेवल से। दूसरे लेवल पर दो डायरेक्ट आपके होने चाहिए, यहाँ पर 10,000 यहाँ पर OUSDT का बिजनेस होना चाहिए, एंड उसके बाद यहाँ पर राइजिंग स्टार आपके रैंक एंड ब्रिंजर रिवॉर्ड्स आपको 100 OUSD एंड 7% आपको लेवल रिवॉर्ड्स मिलेगा। तो सिंपल है समझना इसको, आपको बस डायरेक्ट की कंडीशन, टीम की कंडीशन, रैंक मिलेगी एंड आपको रिवॉर्ड मिलेगा एंड लेवल रिवॉर्ड्स भी आपको मिलेगा चार्ट के हिसाब से। चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। दोस्तों साथ ही साथ इनका कहना यह है कि ये आने वाले टाइम में पूल्स भी लेकर आने वाले हैं, ऑटो पूल्स, है ना, ऑटो पूल ही होंगे क्योंकि यहाँ पर पूल्स लिखा हुआ है और कमिंग सून में लिखा हुआ है, वो तो जब आएंगे तब देख लेंगे। लेकिन अगर ये ऑटो पूल हुआ, यानी ऊपर से आईडी ऑटोमेटिकली आ रही हैं, ग्लोबली टीम आ रही है, तो समझ लेना ये फैल हो जाएगा प्लान इनका यहीं पर, क्योंकि ऑटो पूल्स लंबे समय तक चलते ही नहीं है। पर्लवाइन का देख लीजिए कितने लोग करोड़पति बने हैं, लिस्ट निकाल लीजिए, आज तक 5 साल हो चुके हैं एंड ऑटो पूल से कोई भी करोड़पति बनेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर कंपनी करोड़पति बनती है, लीडर तो बनेगा ही नहीं। अगर कोई स्टार्टिंग में ज्वाइन हो गया तो अपग्रेड कर करके लॉस में चला जाता है, सिंपल है। अगर एक ही ऑटो पूल हो तो वहाँ पर प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर मल्टीपल ऑटो पूल है तो आपने पिछले ऑटो पूल से कमाया, नेक्स्ट वाले में अपग्रेड करके गवा दिया, फिर उससे कमाया थोड़ा सा तो नेक्स्ट वाले में अपग्रेड करके गवा दिया, तो ऐसे चलता है ऑटो पूल का सिस्टम। एंड बस पर्लवाइन का एग्जांपल इसलिए दिया जाता है क्योंकि पर्लवाइन फर्स्ट मूवर था एंड फास्ट मूवर भी था, इसलिए पर्लवाइन आज तक चल रहा है, लेकिन वो चल कैसे रहा है उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों ओमियो स्पेस का इन्फॉर्मेशन, बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। दोस्तों कंक्लूजन बताने से पहले एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर कुछ छूट गया तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। एंड सबसे पहले लीगल डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। PDF के अंदर कहीं पर भी लीगल डॉक्यूमेंट शो नहीं किए गए हैं। मान लीजिए अगर मैं कोई कंपनी बनाता हूँ, उसको मैं दुबई के अंदर चलाता हूँ, दोस्तों वो काम इलीगल होगा। मान लीजिए एग्जांपल दूसरा दे देता हूँ, यहाँ पर आप कोई स्कूल बना रहे हैं और आपने उस स्कूल को मान्यता नहीं दिलाई,
और काम आप सही कर रहे हैं तो उसको सही नहीं बोला जाएगा, आपको लीगल कराना ही पड़ेगा, उसको मान्यता दिलानी ही पड़ेगी। तो ऐसे ही होता है प्लान के अंदर, ये MLM प्लान को रन कर रहे हैं, इनके पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, इंडिया के भी नहीं है और बाहर का तो मुझे पता नहीं क्योंकि इन्होंने PDF के अंदर शो नहीं किए हैं। इंडिया का कोई भी डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं है, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो टोटली इलीगल प्लान है और इस टाइप के प्लान मार्केट में पहले भी आ चुके हैं और स्कैम करके जा चुके हैं, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर रिव्यू करता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। दोस्तों अगर बात रही इन्वेस्टमेंट की, दोस्तों यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ये प्लान में चेंजेस भी करते रहेंगे एंड आपको यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर की जितनी भी कंपनियाँ आती हैं ना इन्वेस्टमेंट के तौर पर, वो क्या करती हैं आप लोगों को पागल बनाती हैं बहुत टाइम तक, ये आने वाला है, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो करते कुछ नहीं है। जाला लाइफ स्टाइल ओन पैसिव देख लीजिए एंड बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो लोगों को आज तक पागल ही बना रही हैं कि हम तो ये लेकर आएंगे ब्लॉकचेन, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन करते वो कुछ नहीं है। उनका एक ही मकसद होता है आपकी जेब से पैसा निकलवाना और यही ओमियो स्पेस का भी काम होने वाला है, आपकी जेब से पैसा निकलवाएंगे और लेकर निकल जाएंगे। दोस्तों बस फाइनली यही बोलना चाहता हूँ कि सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि पैसा आपका है, टीम आपकी है, टाइम आपका है, आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन मेरा ओपिनियन यही है कि ऐसे प्लान से दूर रहें, क्योंकि MLM ऐसे प्लान से नहीं चलता। MLM केवल प्रोडक्ट से चलता है और उसी की गाइडलाइंस, उसी के लोग बना रखे हैं सरकार ने, तो ऐसे प्लान में काम कीजिए जहाँ पर आपको फेम, फ्रीडम और पैसा तीनों मिले। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ चुके होंगे, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर आप किसी और कंपनी के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करके उसका नाम बताइए, हम उसकी भी जानकारी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें एंड ऐसी वीडियो वॉच करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। थैंक्स।